कश्मीर के डल लेक का नज़ारा दिया करता था। ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता था और ये जितने भी आप नाव देख रहे हैं इसमें मार्केट लगता था। शाम के टाइम में यहाँ का नज़ारा अलग ही होता था, लाइटिंग वाइटिंग डेकोरेशन लोग। ये देखिए रोड पे क्या चल रहा है, कहीं भी कुछ भी। यहाँ देखिए ये एक हावड़ा ब्रिज भी यहाँ पर बना हुआ है सुंदर सा। ये है आपका पाटुली एरिया। इनका जन्म 2 फरवरी 1860 में हुआ था और इनका जन्म नाम था रामचंद्र चक्रवर्ती। ये है भारत माता मंदिर। अंदर जो मूर्ति है वो भारत माता की मूर्ति है और पहली बार ऐसा मंदिर देख रहे हैं जो भारत माता के नाम के ऊपर मंदिर बना हो। जादवपुर रेलवे स्टेशन से हम लोग पहुंच गए जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसको 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये यूनिवर्सिटी भी हमेशा विवादों में घिरा ही रहता है। येलो कलर का ये है यहाँ का कैंटीन, सुंदर सा छोटा सा एकदम पुराना वाला, मस्त लग रहा है। ये है मॉल के अंदर का कुछ नज़ारा। सारे मॉल यहाँ पर लगभग एक जैसा ही दिखता है। बाद यहाँ पर आप आराम से बैठ के महंगे महंगे खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए आप अपने घर जा सकते हैं, कोई नहीं रुकेगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा कोलकाता देखो के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप क्या क्या नया देखने वाले हैं और क्या क्या आज के वीडियो में आपके सामने नया कुछ आने वाला है, फटाफट से आज का आप रूट मैप देख लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग न्यू गरिया, पाटुली, जादवपुर, बाघा जतिन और कस्बा एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ क्या क्या ऐसा चीज है जहाँ आप जाकर टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। ये है कोलकाता के पाटुली में फ्लोटिंग मार्केट, जो आपको एक टाइम पर कश्मीर के डल लेक का नज़ारा दिया करता था, बट आज इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। गेट बंद है इसलिए अंदर जाकर नहीं दिखा पा रहा और कंडीशन बहुत ख़राब है, लकड़ियाँ सब सड़ चुकी है तो अंदर जाना भी रिस्की होगा। कुछ कुछ लोग हैं जिनके अभी भी छोटे मोटे दुकान है यहाँ पर, तो नाके बराबर ही है लोग यहाँ पर। ये है फ्लोटिंग मार्केट तक का जाने का रास्ता और यहाँ से मार्केट पूरा स्टार्ट हो जाता है। ये जितने भी नाव दिख रहे हैं ये बहुत ही, मतलब यहाँ का ऐसा माहौल था, ये आपको जो डल लेक है ना कश्मीर में वैसा ये नज़ारा देता था। ये पूरा पानी से भरा हुआ रहता था और ये जितने भी आप नाव देख रहे हैं इसमें मार्केट लगता था, बट अभी जो ये कंडीशन है ये बंद हो चुका है। अगर आप लकड़ियाँ देखेंगे तो सब टूट चुकी है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला था, एक टूरिस्ट प्लेस की तरह इसको इस्तेमाल भी किया जाता था, लोग बहुत आते थे यहाँ पर घूमने के लिए देखने के लिए, बट अभी इसका कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुका है। एक टाइम पर बहुत ही शानदार जगह हुआ करता था ये और इसको बनाया भी गया है बहुत स्पेस लेकर। शाम के टाइम में यहाँ का नज़ारा अलग ही होता था, लाइटिंग वाइटिंग डेकोरेशन लोग बहुत सुंदर लगता था। अगर ये मेंटेन करके रखा जाता तो आज ये कितना सुंदर लगता देखने में। तो यहाँ पर क्राउड आज भी वैसा ही होता बल्कि ज़्यादा ही होता अगर थोड़ा सा इसको मेंटेन करके रखा जाता तो। और इसके ठीक बाहर सीटिंग के लिए भी एक पार्क टाइप में बनाया गया है, चेयर्स लगे हुए हैं। और यह है हाईवे, यहाँ लोग आराम कर रहे हैं। तो यहाँ से तो वैसा कुछ मिला नहीं, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या हम लोग ढूंढ पाते हैं। भाई सीरियसली ये मेट्रो स्टेशन है, क्या बोल रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पे आ गए हैं, भयंकर लग रहा है यार स्टेशन ये। ये है आपका कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन, जबरदस्त बना है और बहुत बड़ा है ये तो। ये देखिए रोड पे क्या चल रहा है, कहीं भी कुछ भी। यहाँ देखिए बहुत बड़ा स्टेशन बनाया है लोग, मतलब स्पेस है तो कुछ भी बना दो। ये है न्यू गरिया रेलवे स्टेशन, जिसे 1862 में स्टार्ट किया गया था और इस स्टेशन का कोड है NGRI। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 3 ट्रैक्स है। ये मेन लाइन सियालदा को कनेक्ट करता है और ये जो स्टेशन देख रहे हैं उस साइड में आपका सियालदा स्टेशन और इधर घूमते ही अपना कोलकाता डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाता है और साउथ 24 परगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग बाद में कवर करने वाले हैं।
ये देख रहे हैं, मस्त लग रहा है ना। ये देखिए छत पे ही कछुआ बना कर रखा हुआ है। ये हो सकता है पानी का टंकी है जिसको एक डिजाइन दे दिया गया है कछुए का। सही लग रहा है, लग रहा है कहीं आग लगा हुआ। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है। तो आप लोगों को न्यू गरिया स्टेशन दिखा दी और वहां से निकल के अब हम लोग ईएम बाईपास से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो है ईएम बाईपास पर ही इतना सुंदर सुंदर जगह बनाया हुआ है ताकि आप शाम को बैठ के यहाँ का नज़ारा ले सकें। यहाँ बगल में झील है, बहुत अच्छे से पूरे स्ट्रीट को डेकोरेट किया गया है। आप यहाँ पर इवनिंग में बैठ के बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये ईएम बाईपास हाईवे है और इसके बगल में है ये झील और यहाँ पर है ये सीटिंग अरेंजमेंट सारा। ये एक हावड़ा ब्रिज भी यहाँ पर बना हुआ है सुंदर सा। सही लग रहा है यार, और इवनिंग में ये तो और अच्छा लगता होगा। सब लाइटिंग वाइटिंग जो जब जलता होगा तब यहाँ का नज़ारा और भी ज़बरदस्त लगता होगा। चल चल के थोड़ा थक गए हैं तो सोचे थोड़ा क्यों ना हम भी बैठ कर यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा ले लें। मौसम भी अच्छा है, थोड़ा हवा खा लेते हैं फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत हवा खा लिया, थोड़ा स्ट्रीट घुमाया जाए आपको। ये जो स्ट्रीट है ना काफ़ी दूर तक काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया, और रोड्स भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आर्ट बनाए गए हैं। बहुत सही लग रहा है, सच बता रहा है। इवनिंग में यहाँ पर आने का कुछ अलग ही मजा होगा, एक दिन आना पड़ेगा इवनिंग में यहाँ लग रहा है। ये है आपका पाटुली एरिया। और सामने में यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर का जो रूप है वैसा ही एक मंदिर भी बनाया गया है। बहुत सही लग रहा है यार। और झील के बगल में हैंगआउट करने के लिए बहुत सारे दुकान भी है, शॉप्स भी है जहाँ पर आप स्नैक्स टी खाते पीते इंजॉय करते हुए अपना शाम बिता सकते हैं। ये इवनिंग में टाइम स्पेंड करने के लिए ना जगह सच में बहुत मस्त है। छोटे छोटे स्टॉल भी हैं, पीछे में बहुत सारे स्टॉल थे जो खुला था, बट ये सारे स्टॉल अभी बंद है, ये भी खुल जाएंगे अपने टाइम पर। जगह बहुत सही है बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, इवनिंग अच्छा सा काटने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये जो फुट ब्रिज है इस पे देखिए पूरा रील्स चल रहा है, फोटोग्राफी चल रहा है। ये देखिए ये रील्स वाले ही है सारे, वो तीन बच्चे वहां पे खड़े होकर मजे ले रहे हैं, वो भी इन लोगों का वीडियो बनाकर। सही है, कैमरा मैन तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है भाई। आपको एक अच्छा सा स्ट्रीट दिखाते हुए जहां आप अपने लव्ड वन के साथ एक अच्छी सी शाम बिता सकते हैं वो दिखाते हुए हम लोग आ गए हैं बाघा जतीन रेलवे स्टेशन। और ये है आदि गंगा, जिसे आप कोलकाता सीरीज के मैक्सिमम वीडियोस में आपने देखा होगा क्योंकि ये कोलकाता में हर जगह फैला हुआ है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं बाघा जतीन रेलवे स्टेशन और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ये है बाघा जतीन रेलवे स्टेशन, इसको 1862 में स्टार्ट किया गया था और इसका स्टेशन कोड है BGJT। यहाँ पर टोटल दो प्लेटफॉर्म हैं और दो ट्रैक्स हैं जैसा कि आप सामने देख भी रहे हैं। ये सियालदा के मेन लाइन को कनेक्ट करता है। अब हम लोग आ चुके हैं श्री श्री सत्यनारायण राम ठाकुर जी के आश्रम में और यहाँ पर भोग प्रसाद वितरण हो रहा है। पहले अंदर से दिखा देते हैं फिर यहाँ पर आकर भोग प्रसाद भी पाएंगे हम लोग। ये यहाँ पर कुछ सेवाएं हैं जो इस आश्रम के द्वारा जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। इनका जन्म 2 फरवरी 1860 में हुआ था और इनका जन्म नाम था रामचंद्र चक्रवर्ती। ये 19वीं सदी के भारत के दौरान एक बंगाली आध्यात्मिक गुरु थे। वे अनडिवाइडेड भारत के हर कोने से अपने लाखों भक्तों को नाम या मंत्र दीक्षा देते थे। उनके शरीर त्यागने के बाद महानम की परंपरा महंत महाराज द्वारा दी जा रही है। इन्हीं के नाम पर यह आश्रम बनाया गया है जहां जरूरतमंद लोगों को कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है और सुबह शाम भोग लगता है जो लोगों में वितरित किया जाता है। ये है भारत माता मंदिर। अंदर जो मूर्ति है वो भारत माता की मूर्ति है और पहली बार ऐसा मंदिर देख रहे हैं जो भारत माता के नाम के ऊपर मंदिर बना हो और मूर्ति भी भारत माता की बनी हो। ये भारत माता और आप फ्लैग भी देख सकते हैं अपने देश का।
अपने भारत का फ्लैग भी है यहाँ पर। ये मंदिर जादवपुर के बापूजी नगर में स्थित है। यहाँ से सेंट्रल पार्क बहुत नजदीक है। और इस मंदिर में यहाँ एक हनुमान जी का भी छोटा सा मंदिर है, बगल में ही हनुमान जी का भी एक मंदिर है, और इसके पास में एक और छोटा सा मंदिर है, वो भी देख लेते हैं कौन से भगवान का ये मंदिर है। ये काली माँ का मंदिर है। कोलकाता में है तो काली माँ का मंदिर तो आपको हर जगह ही मिलेगा। इस मंदिर के बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2-3 साल के करीब हो रहा है इस मंदिर को बने हुए, बट भारत माता का मंदिर ये सोचे भी नहीं थे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भारत माता का मंदिर देखने के बाद हम लोग आ चुके हैं जादवपुर रेलवे स्टेशन, जिसको 1862 में ओपन किया गया था और इसका स्टेशन कोड है JDP। यहाँ पर टोटल 2 ट्रैक्स है विथ 2 प्लेटफॉर्म्स। ये जादवपुर एरिया को सर्व करता है और सियालदह मेन लाइन से ये कनेक्टेड है। जादवपुर रेलवे स्टेशन से हम लोग पहुंच गए जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसको 1906 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, और ये यूनिवर्सिटी भी हमेशा विवादों में घिरा ही रहता है। यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, आप बुक्स को देखेंगे तो ऐसे ही फुटपाथ पर नीचे ऐसे ही बिक्री होता है। आपने अगर कैलकटा यूनिवर्सिटी का वीडियो देखा होगा तो उसके बाहर भी ऐसे ही बुक्स बिक्री किए जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर इस प्रकार से किताबों की इज्जत होती है। अंदर से यूनिवर्सिटी का कैंपस कुछ ऐसा दिखता है। अब यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ही बताएं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल करके इसका हिस्ट्री निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, और ये बगल में जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये है यहाँ का कैंटीन, सुंदर सा छोटा सा एकदम पुराना वाला, मस्त लग रहा देखने में। ये है ढाकुरिया रेलवे स्टेशन, जिसको 1862 में ओपन किया गया था। इस स्टेशन का कोड है DHK। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है विद 2 रेलवे ट्रैक्स। लो जी भैया, तो हम लोग घूमते फिरते आ गए एक मॉल के सामने। चलिए देखते हैं ये कौन सा मॉल है और इस मॉल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या होगा, मॉल जैसा ही मॉल होता है ना। फिर भी चलिए देखते हैं अंदर से और आपको भी दिखाते हैं। ये मॉल जो है रूबी क्रॉसिंग EM बाईपास पर, वहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पर ये मॉल है, और मॉल है तो यंगस्टर की तादाद यहाँ पर ज़्यादा ही होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से कैसा ये मॉल दिखता है। तो ये है मॉल के अंदर का कुछ नज़ारा, सारे मॉल यहाँ पर लगभग एक जैसा ही दिखता है। ये मॉल थोड़ा थोड़ा जो साउथ सिटी मॉल आपको दिखाया था ना, वैसा ही थोड़ा बहुत लग रहा है। इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर वैसा ही डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। मॉल्स में जैसे चमक धड़क होती है, यहाँ भी बिल्कुल आपको वैसे ही चमक धड़क मिलेगा। हर तरफ जिधर देखेंगे दुकानें ही दुकानें भरी पड़ी हुई है। और ये है यहाँ का फूड कोर्ट, सारा शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर आप आराम से बैठ के महंगे महंगे खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए आप अपने घर जा सकते हैं, कोई नहीं रुकेगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ। मॉल से निकल के अब रूबी क्रॉसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और स्ट्रीट्स पर ये सारे चीज़ हमें दिखे फुटपाथ पर, जो कि चीनी मिट्टी के बने रहते हैं, आप होम डेकोरेशन के लिए यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी सस्ते में भी ये लोग देते हैं। बार्गेनिंग करके आप आराम से यहाँ से ये चीज़ें ले जाकर अपने घर को सजा सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग रूबी क्रॉसिंग पहुँच गए। आज का जो रूट मैप था यहीं कम्प्लीट होता है, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ बने रहे। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।